हर आज हमारी यात्रा का विश्वा दिवस और हम आए कुंभेश्वर महादेव यहाँ दीदी सेवा कर दी। उन्होंने बड़े प्रेम से हमें चाय पिलर, हमने इनसे आग्रह किया कि इतना प्यारा स्थान है, प्राचीन स्थान है, दिव्य स्थान है, तो इसकी जानकारी हमें भी हो और सभी को हो। तो हम दीदी से प्रार्थना करेंगे कि आप यहाँ की जानकारी, इस ऐतिहासिक जगह की जानकारी हमें दें। जी, नर्मदे हर। आप जो नर्मदा मैया की यानी परिक्रमा आप पैदल जी बाय कार से, बाय बस से जो कर रहे हैं, उसमें जो ओंकार से शुरुआत करते हैं, सुरपाणेश्वर की झाड़ी, उसके बाद में गोरा, रामानंद, फिर बाद में कुंभेश्वर स्थान, यह स्थान आता है, और नर्मदा मैया, क्योंकि सब में महत्व की मैया ही थी। मैया ने मतलब मैया के आदेश से, मतलब देवी, सभी देवी देवता उनकी आज्ञा लेकर उत्तर और दक्षिण दोनों तट पे आए थे। उसमें से यह एक स्थान है, ऐसा है कि सात देवों के ये तपस्थली है, सात देवता हाँ, और सात कल्पा का यह स्थान है। बाकी दूसरे सब जगह एक एक दो दो देवों की तपस्थली है, लेकिन यह स्थान ऐसा है कि सात देवों ने तपस्या रखी है जी। और उसमें भी यह स्थान में स्नान का महत्व ज्यादा है। अच्छा, जो आप मैया में स्नान करते हो तो ऐसा कहा जाता है कि मैया अपने अंदर की नेगेटिविटी पूरी ले लेती है और हमें पॉजिटिवली वाइब्रेशन प्रदान करती है। और वाराणसी यानी काशी में जन्म से मृत्यु तक वहाँ रह के जो भी अपने को पुण्य प्राप्त होता है, वो यहाँ कुंभ स्नान में, जो अभी कुंभ स्नान चल रहा है, उस पीरियड में यहाँ स्नान करने से 10,000 गुने हमें फल मिलता है। फिर बाद में आप ऊपर आते हो तो कुबेर भगवान यानी कुबेर लक्ष्मी के उपासक, कुबेर भगवान ने नर्मदा के किनारे गुजरात में 5 जगह पर तपस्या की है, उसमें से ये 2nd नंबर का कुबेर है। फिर आप आगे जाएंगे तो काल भीरव शनि और राहु के इष्ट, यानी जो फनुदी चल रही हो जन्माक्षर में, यानी होरोस्कोप में महादशा, अंतरदशा प्लस मारक बाधक महादशा चल रही हो, तो उसमें पहले काल भीरव, बाद में ही आप शनि और राहु के पूजन कर सकते हो। फिर बाद में है दत्त भगवान का स्थान यानी स्वामी समर्थ अक्कलकोट महाराष्ट्र, उनका यह स्थान है। उन चौथे महात्मा यहाँ पे चंदूलाल सोमर जैन चंदू महाराज, वो दत्त के उपासक थे और पनौती यानी पूरे कुंभेश्वर स्थान को आगे लाने वाले महाराज जी। फिर बाद में आप जाएंगे तो शनिदेव ने भी यहाँ पे तपस्या रखी है पूरे स्थान पे, पर कौन सी जगह पे एग्जैक्टली की है वो अभी तक किसी को निश्चित पता नहीं है, लेकिन उनका यहाँ आके क्रोध शांत हुआ और क्रोध के स्वरूप को कहा जाता है पनौती, छोटी पनौती माता और 7.5 साल की बड़ी पनौती माता, क्रोध यानी शेरों उनका यहाँ पे शांत हुआ, छोटी और बड़ी पनौती माता कहते हैं। फिर बाद में आप जाएंगे तो वरुण, इंद्र, धर्मराजा और मार्कंडे ऋषि, फर्स्ट नंबर यानी मार्कंडे ऋषि जी ने तपस्या रखी थी, तो उसमें उन्होंने 64 नदी का जल लेके वो यहाँ पे आए और यहाँ पे बैठ के उन्होंने पूजा, मतलब तपस्या रखी, तो कुंभ में से यानी घड़े में से वो स्वयं प्रागट्य हुए, यानी शिव जी को कुंभेश्वर महादेव यानी यह कुंभेश्वर तीर्थ का यह नाम है और इस गांव का नाम है जी और पाटी और यह कुंभेश्वर तीर्थ यानी स्ट्रीट मोहल्ला और कुंभेश्वर स्थान। और हम यहाँ मतलब गौरीशंकर महाराज का तो आपने नाम सुना होगा, MP गौरीशंकर रहे। अच्छा, जो ऊपर फोटो है गौरीशंकर महाराज, अच्छा, उनके पट्ट शिष्य विष्णु पंत चैतन्य महाराज वो यहाँ रुके और उनको ये जो ये श्री यंत्र है बीच में वो मैया में से प्राप्त है। अच्छा, जो यंत्र जो सामने दिख रहा है वो मैया में से प्राप्त है, वो अच्छा। श्री विद्या के उपासक, फिर उन्होंने जो दूसरे महात्मा को शिष्य मतलब शिष्य बने वो राजपिपला के राजगुरु, और उन्होंने राजपिपला मतलब राजपद छोड़ दिया, वो यहाँ के शिष्य हुए, तो कालभीरव के उपासक, तीसरे नंबर के हरिहर चैतन्य महाराज मैया के उपासक, और चौथे नंबर के स्वामी समर्थ महाराज के यानी चंदूलाल महाराज स्वामी समर्थ महाराज के शिष्य थे। ऐसे 4 महात्मा अभी हम यहाँ पे सेवक मतलब सेवा करते हैं। अच्छा, मैया जो भी पैदल परिक्रमा से महाराज जी जो भी आते हैं जी, यहाँ मतलब यहाँ पे 200 साल से सेवा हो रही है। अच्छा। और अभी मैं जागृति सोमन महाराष्ट्र, जागृती सोमन, तू महाराष्ट्राची आहे का? हो, नर्मदे आमचे पण जळगाव जिल्ह्यामध्ये आश्रम आहे, मला असंच वाटलं। संत श्री लक्ष्मण चितनजी बापू आश्रम तालुका रावेर जिल्हा जळगाव मध्ये आश्रम आहे, काय माहिती आम्ही असे रत्नागिरी मला पण असे इकडेच आहे।
एक आश्रम पण तिथे उत्तर तट मध्ये जे ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग आहे उत्तर तटवर खेडेघाटच्या 2 किलोमीटर पुढे वटवृक्ष आहे, तिथे अखंड रामधून चालू आहे, ते पण आमचे दादा गुरुजींचे आश्रम आहे। हो, मोठा आश्रम आहे ते, 26-27 वर्ष झाले तिथे अखंड रामधून। हे महाराज जे आमचे गुरुभाई जे आहे त्यांच्या आश्रम 2 किलोमीटर मागे आहे, गोमुख आहे ना, तिथे त्यांनी 4 वर्ष झाले तिथे आश्रम स्थापन केला आहे। नर्मदा काठी त्यांचे पण आश्रम आहे। हो हो हो, हे आमचे संगीत साथी आहे, म्हणून सोबत परिक्रमा करतोय। आमचे मदन भाऊ आमच्या आश्रमाचे जुन्ना सेवक आहे, हे पण तिथलेच आहे, पीतनगर नर्मदा तटवासी जे आहे। हो, तुम्ही किती दिवसापासून आहे इथे? नाही, इकडे तर आमचं माझं तर रनिंग मी 17 वर्षापासून आहे। 17 वर्ष 18 लागेल।